हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका जुबेदा किचन चैनल में। आज जुबेदा किचन में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ साउथ इंडिया की एक तीखी चटपटी रेसिपी, जिसे वहाँ पर रंजक नाम से जाना जाता है। ये रंजक की रेसिपी हमें हमारे एक साउथ इंडियन आंटी ने ही सिखाई थी। तो चलिए बिना देरी किए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रंजक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 गीली लाल मिर्च ली है। इस रेसिपी में हमें गीली लाल मिर्च का ही इस्तेमाल करना है, तो इस बात को याद रखिएगा। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच लेमन जूस और 3 से 4 बड़े चम्मच गुड़। अब यहाँ पर एक मिक्सर ग्राइंडर में लाल मिर्च, लहसुन की कलियाँ, गुड़, लेमन जूस, जीरा और नमक डालकर मैं इसका एक हल्का पेस्ट बना लूँगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसमें सिर्फ 1 से 2 बड़े चम्मच ही पानी डालना है और इसे आपको एकदम फाइन ग्राइंड करना है। तो आप देख सकते हैं मेरी पेस्ट जो है वो कितनी फाइन बनी हुई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर छोटे मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इनके ब्लेड जो है वो शार्प होते हैं। अब एक छोटी कढ़ाई में मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल के गरम होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच राई और आधी छोटी चम्मच हींग। अब मैं इसमें हमारी तैयार पेस्ट डाल रही हूँ और बस हमें इसे अब लो मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो आपको मेरी इस रंजक की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जुबेदा किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक गुड केयर, बाय बाय।